कुछ दिनों से मेरे साथ बहुत ही अजीब सी चीज़ हो रही है। मुझे कभी भी ब्लैकआउट्स हो जा रहे थे। पहली बार ये तब हुआ था जब मेरा 18th बर्थडे था। उस दिन मेरा कज़न ब्रदर मेरे घर पे आया था अपने मॉम डैड के साथ। उस दिन वो साथ में एक हॉरर मूवी की DVD भी लाया था। उसने मुझसे कहा कि केक काटने के बाद हम ये तुम्हारे TV में लगा के देखेंगे, और हमने बिल्कुल वैसा ही किया। लेकिन जब मूवी स्टार्ट होने वाली थी तभी मुझे मेरा पहला ब्लैकआउट हुआ। मैं बेहोश हो गया, और जब मेरी आँख खुली तब मैंने देखा कि मूवी ख़त्म हो चुकी है। मेरे पेरेंट्स और मेरा कज़न ब्रदर उस समय उस मूवी के बेस्ट सीन्स के बारे में बात कर रहे थे। तभी मेरे कज़न ब्रदर ने कहा कि सबसे ज़्यादा इस मूवी को तो इन्जॉय हमारे बर्थडे बॉय ने किया है। मैंने इसे एज अ जोक लिया, एंड मुझे उस समय लगा कि मैं उस समय सो गया हूँगा, पर ऐसा नहीं था। दूसरा ब्लैकआउट मुझे मेरे जियोग्राफी के क्लासरूम में हुई। मैं अचानक से बेहोश हो गया, और जब मुझे होश आया तो क्लास ख़त्म होने वाली थी। लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि मेरी कॉपी में सारे के सारे नोट्स लिखे हुए थे। लेकिन ये कैसे पॉसिबल था? ऊपर से कोई भी ऐसा कुछ कह नहीं रहा था कि मैं बेहोश हो गया था या फिर मैं सो गया था, बल्कि सब कुछ नॉर्मल था। ऐसा लग रहा था जैसे कि पिछले कुछ मिनट्स की यादें किसी ने मेरे दिमाग से हटा दी हों। लेकिन ये पहली बार नहीं था। मैं अपने ब्लैकआउट्स को ट्रैक करने लगा, लेकिन जब भी मुझे ब्लैकआउट आता था उसके बाद मेरे सारे नोट्स सब कुछ कोई तो हटा देता था। इस समय तक मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई तो मेरी लाइफ मुझसे छीन रहा है। मैं ज़िंदा होने के बावजूद अपनी लाइफ को जी नहीं पा रहा था। मैं अपने लाइफ के टाइम को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अपना टाइम खो रहा हूँ। मेरे साथ जो भी हो रहा था, मैंने इस बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की। मैंने इंटरनेट पे भी इस बारे में बहुत ज़्यादा ढूंढा, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ अच्छा मिला ही नहीं। अब मैं अपनी लाइफ से तंग आ गया था। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर मैं किससे हेल्प मांगूं और किसको अपनी इस कंडीशन के बारे में बताऊं। एक दिन मेरा कज़न ब्रदर मेरे घर पे आया। हम दोनों ऐसे ही कुछ तो बातें कर रहे थे, तभी उसने मुझसे कहा कि तुम आजकल बड़े परेशान लगते हो। अब इस समय तक मुझसे कुछ भी कंट्रोल नहीं हुआ, और मैंने उसे सब कुछ बता दिया जो भी मेरे साथ इन दिनों हो रहा था। उस समय मेरे मॉम डैड ऑफिस में थे, तो मेरे ब्रदर ने कहा कि चलो मैं तुम्हारे मॉम डैड को फ़ोन लगाता हूँ, और हम दोनों जल्दी से उनके पास जाते हैं और फिर हम लोग मिलकर इस चीज़ का सोल्यूशन ढूँढेंगे। हम दोनों ही उस घर से बाहर निकले और फिर बस लेके मेरे पेरेंट्स के पास जाने लगे। इस बीच मेरा ब्रदर भी मुझसे कह रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। वो उस समय मुझे टेंशन नहीं लेने को कह रहा था, लेकिन जब वो मुझसे बात कर रहा था तभी अचानक से मुझे फिर से ब्लैकआउट हुआ और मैं बेहोश हो गया। और आधे घंटे बाद जब मैं होश में आया तब मैंने देखा कि मेरा ब्रदर मेरे साथ नहीं था, और साथ में मैं किसी और ही बस में बैठा हुआ था, और उस बस में मेरे अलावा कोई और पैसेंजर ही नहीं था। वो बस मुझे किसी अननोन रास्ते पे लेके जा रही थी। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया, और तभी मैंने अपने हाथ पे कुछ फील किया। उधर कुछ लिखा हुआ था। उधर लिखा था कि मेरे भाई को अब कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा, और मुझे फिर से ये सब करने पे मजबूर मत करना। और तभी उधर एक बहुत ही अजीब सा एंटिटी आ गया। एक दिन जब मैं स्कूल में था तब बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो इस वजह से मेरे टीचर ने मुझे काफ़ी देर तक रोक के रखा था जब तक वो बारिश होती रही तब तक, और इस वजह से मुझे उस दिन काफ़ी देर तक पढ़ना पड़ा था। इससे मेरा दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। मेरी छुट्टी काफ़ी लेट से हुई थी, तो मैंने अपना जल्दी से काम ख़त्म किया, और जब बारिश ख़त्म हो गई तब मेरी छुट्टी भी हो गई। मैं जल्दी जल्दी अपने घर के तरफ जाने लगा। लेकिन जब मैं अपने घर जा रहा था तभी मैंने एक कार को नोटिस किया, एंड प्रोबेबली वो मेरा पीछा कर रही थी। मैं उस समय काफ़ी ज़्यादा डर गया, और ये काफ़ी ज़्यादा क्रीपी भी था। मुझे समझ नहीं आया कि मुझे आखिर करना क्या चाहिए। मैं उस समय अपने घर पे नहीं गया क्योंकि मैं उन लोगों को अपने घर की लोकेशन नहीं देना चाहता था। मैंने एक रॉन्ग टर्न ले लिया और एक गलत रास्ते पे जाने लगा, लेकिन वो कार वहीं पे आ गई।
उसके अंदर दो आदमी बैठे हुए थे और उसमें से एक आदमी ने कहा कि क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए। मैंने कहा नहीं, लेकिन वो दोनों मेरा पीछा करे ही जा रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी मैं वहां से भागने लगा। लेकिन जब मैं वहां से भाग रहा था तभी अचानक से मुझे मेरे पेट में बहुत ही दर्द हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने मुझे गोली मार दी हो, और सच में उसमें से एक आदमी ने मेरे पेट में गोली मार दी थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, मैं ज़मीन पर गिर गया और तभी उस आदमी ने मेरे मुंह को पकड़ा और मुझे उठाया। मेरे पेट से खून बहना चालू हो गया, मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। तभी दूसरा आदमी मेरे पास आया, उसने मेरे पॉकेट से मेरा फ़ोन निकाला और उसे तोड़ दिया। फिर उस आदमी ने मेरे मुंह पे एक कपड़ा बांध दिया और मुझे उस गाड़ी की डिक्की में डाल दिया। फिर वो गाड़ी स्टार्ट हो गई और वो लोग मुझे कहीं पे तो ले जाने लगे। मैं उस समय काफ़ी ज़्यादा डर गया, इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया था। मैं उस गाड़ी की डिक्की को खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। मेरे हाथ भी बंधे हुए थे और ऊपर से मेरे पेट में जो गोली लगी थी उसका दर्द भी मुझे हो रहा था। तभी मैंने कुछ नोटिस किया, मैंने ये फील किया कि उस कार की स्पीड धीरे से स्लो हो रही है और फिर वो कार रुक गई। वो दोनों आदमी किसी से तो बात कर रहे थे और उनकी बातों को सुनकर मैं ये कह सकता था कि वो दोनों किसी पुलिस ऑफिसर से बात कर रहे थे। तभी उन दोनों ने उस पुलिस पे गोली चला दी और फिर मुझे वहाँ पे काफ़ी सारे गनशॉट्स की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लगा जैसे कि वो दोनों पे कोई तो गोलियाँ चला रहा है। ये सब से मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और तभी मुझे किसी के फुटस्टेप्स की आवाज़ आई। कोई तो उस गाड़ी की डिक्की की तरफ आ रहा था और तभी किसी ने तो उसे खोला, लेकिन उसको खोलते साथ ही वो जो भी था उसने मेरे ऊपर गोलियों की बारिश कर दी। लेकिन लकीली वो सारी गोलियां मिस फायर हुई और मुझे एक भी गोली नहीं लगी। असल में वो पुलिस ऑफिसर था, उसे लगा कि उस डिक्की में उन दोनों का कोई साथी होगा। लेकिन जैसे उसने यह रियलाइज़ किया कि उधर मैं हूँ और मुझे किडनैप किया गया था, उसने जल्दी से बैकअप टीम को बुला लिया और एक एम्बुलेंस को भी बुला लिया। मैं काफ़ी ज़्यादा लकी था कि मैं बच गया, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर उधर मेरा ट्रीटमेंट किया गया। मैंने टीवी में देखा कि उन दोनों आदमियों की डेथ हो गई है पुलिस शूटआउट में। उसके बाद मेरी लाइफ नॉर्मल हो गई और मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट फिर कभी हुआ नहीं। लेकिन आज भी मुझे जब भी वो घटना याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सो यार, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसी और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ को देखने के लिए, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी काफ़ी सारी स्टोरीज़ पड़ी है और आने भी वाली है, तो सब्सक्राइब कर देना एंड बाजू में पड़ा बेल आइकन भी दबा देना जिससे आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। Every time I meet your eyes, amplified deep inside. Once I feel your skin on mine, though I try, I can't hide.